हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे धूम केतु। ये मूवी रिलीज हुई जी फाइव ऐप पर और इसमें हमें नजर आते नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इला अरुण, रघुवीर यादव, रागिनी खन्ना और मरहूम रजा खान। उसके अलावा इस मूवी में हमें स्पेशल रोल में नजर आते रणवीर सिंह, सोनाक्षी सिन्हा, निखिल अडवाणी और मिस्टर अमिताभ बच्चन। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी से, जिसका नाम है धूम केतु। वो बचपन से एक राइटर बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली की तरफ से उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता, स्पेशली उनके फादर यानी रघुवीर यादव की तरफ से तो उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन एक दिन वो अपना गांव छोड़ के मुंबई भाग जाते हैं एक राइटर बनने के लिए। उसके बाद उनकी लाइफ में क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बता दूं कि ये मूवी पर्सनली मुझे कैसे लगी और क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक आप जरूर देखना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। और हाँ, अगर ज्यादा पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना। चलिए बात करते हैं इस मूवी की। सबसे जो मेन बात मैं आपको बता दूं, मूवी काफी सालों पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन किसी वजह से ये मूवी रिलीज हुई। वो वजह मुझे ऐसा लगता है कि जब ये मूवी पूरी बन गई थी तो मेकर्स लोगों ने जब इस पूरी मूवी को देखा होगा तब लोग समझ गए होंगे कि ये मूवी एक शो से ज्यादा बिल्कुल नहीं चलने वाली। तो इस वजह से वो लोग सोचे भाई बहुत बड़ी फजीती होगी। लेकिन फाइनली अब क्या हो गया कि कोरोना वायरस के चलते सबको पता है कि पूरा साल थिएटर बंद होने वाले। तो जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है जैसे कि अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गई या तो फिर जीफा हो गया, तो ये लोग क्या करेंगे, ऐसे फिल्म मेकर्स के पास जा रहे जिनके पास ऑलरेडी फिल्म बन चुकी है, वो लोग चाह रहे रिलीज करना। तो ये लोग अच्छा खासा ऑफर दे रहे। अब जिस फिल्म में नवाज भाई का नाम हो तो कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म वाला आग बन करके ले लेगा, क्योंकि सबको मालूम है नवाज भाई के बहुत बड़े फैन है। और यही पे बहुत बड़ा कांड हो जाता है। अब मैं बात करता हूं इस फिल्म के बारे में। तो देखिए, इस फिल्म को मैं पूरी तरह से खराब नहीं बोल सकता, क्योंकि इस फिल्म में बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर आपको हंसी आती है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपका टेस्ट क्या है। लेकिन सिर्फ इसी वजह से मैं आप लोगों को ये फिल्म रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके बाद इस फिल्म में एक सीन है जहां पर एक डायरेक्टर किसी बंदे से फोन पर बात कर रहा होता, तो वो सामने वाला उसको पूछता है डायरेक्टर को, भाई तुम्हारी अगली फिल्म का टाइटल क्या है। तो डायरेक्टर बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अगली फिल्म का टाइटल चूतिया रखूं, ताकि जब भी कोई मुझसे पूछे कि भाई क्या बना रहे हो तो मैं बोलूंगा चूतिया बना रहे हो। तो बिल्कुल वही चीज आपको महसूस होती है जब आप इस फिल्म को देखते हो। उसके अलावा मैं इस फिल्म में एक्टिंग की बात करूं तो भाई नवाज भाई की एक्टिंग इस फिल्म में अच्छी है, लेकिन यहाँ पे बजरंगी भाईजान, फिरकी अली, किक, ये सारी फिल्मों में जो उन्होंने कॉमेडी पोर्शन किया था वो सब चीजें यहाँ पर आपको याद आती है। एक मोमेंट ऐसा आ गया था जहाँ पर मुझे महसूस हो रहा था कि भाई नवाज भाई ने सिर्फ ये मूवी को अनुराग कश्यप के कहने पर ही किए, क्योंकि इस फिल्म में कुछ दम ही नहीं लग रहा था। क्योंकि अगर ये फिल्म एक राइटर के स्ट्रगल के ऊपर थी तो यहाँ पर उसका स्ट्रगल बताना चाहिए था, लेकिन वो स्ट्रगल तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा था आपको। क्योंकि जब नवाज भाई मुंबई आते हैं घूम के, तो जब मुंबई आता है तो मुंबई आने के बाद एक राइटर किस तरह स्ट्रगल कर रहा है वो चीज आपको उसके चेहरे पर नजर नहीं आती। उसके अलावा इस फिल्म में अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई अनुराग कश्यप सर के पास तो ज्यादा रोल है नहीं, जितना भी उन्होंने ठीक ठाक करके दिखाया। लेकिन उसके अलावा अगर रघुवीर यादव की बात करूं तो वो एक अच्छे एक्टर है, लेकिन यहाँ पर कुछ जगह पे बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पे वो काफी ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा इला अरुण का भी काम ठीक ठाक है। अब बात करें स्पेशल अपीयरेंस की, तो देखिए रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा, इन लोगों की इस फिल्म में कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो जो सीन था वहां पर अगर कोई अननोन लोग भी कर लेते ना तो वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में लेकर बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि वहां पर एक बड़े एक्टर की जरूरत थी। उसके अलावा मैं इसको ओवरऑल बोलूं तो यार ये फिल्म मुझे पर्सनली डिसअपॉइंट की, मुझे पर्सनली ये फिल्म अच्छी नहीं लगी। अगर आपको ये फिल्म देखना तो आप जरूर देख सकते हो। अगर आप नवाज भाई के फैन हो तो वो आपकी मर्जी। मैं इस मूवी को दूंगा 5 में से 2 स्टार, क्योंकि कुछ कुछ जगह पर मुझे हंसी आ रही थी। बस यार इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज वीडियो को ज्यादा से शेयर कर देना। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।